अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रिटा 92 FS। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जितने भी कम और अफराद हैं वो इन चीज़ों का शौक़ ना करें, और इन चीज़ों का शौक़ करने वाले अफराद के पास लाइसेंस का होना लाजमी है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक और गन का रिव्यू कराते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो ये गन है, AK-47। ये कोई 47 की शेप में ये 44 बोर बना हुआ है, और ये पाक मेड गन है और बहुत ही अच्छी गन है। ये आपकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग, इसका कलर और इसकी मार्किंग वगैरह, इसकी ग्रिप्स वगैरह। दोस्तों ये फोल्डिंग में, अंडर फोल्डिंग में आती है, और 30 राउंड का इसके साथ मैगजीन होता है। बाकी जो ये हैंड ग्रिप है इसकी, ये भी लकड़ की बनी हुई है, और जो पिस्टल ग्रिप है ये भी इसकी लकड़ की बनी हुई है। बाकी टोटल काम जो है ना लोहे का है, और इसकी साइड्स भी आप आगे देख लें, इसका आप बैरल के भी वो देख लें। तो माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, अगर कोई दोस्त अपना लाइसेंस रखता हो 44 बोर का तो इसको परचेज़ कर सकता है। इसकी प्राइस के बारे में आपको बताते हैं, इसकी प्राइस मुख्तलिफ़ जगह की मुख्तलिफ़ होती है, और हर जगह की अपनी अपनी कीमत है। तो ये पेशावर में ये 55 से 60 हज़ार, 65 हज़ार रुपये में बना देते हैं A+ क्वालिटी वाली। इसमें नॉर्मल भी आती है, फिर वो फिर इससे कम रेट में होती है। तो ये अच्छी गन है। इसमें ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसमें सिंगल ब्रेस्ट का ऑप्शन भी है, और ये सेम बिल्कुल AK-47 की तरह है। सिर्फ इसमें जो है ना बुलेट्स 44 बोर की आती हैं, तो जिन लोगों का लाइसेंस हो 44 बोर का वो इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपने लाइसेंस पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको छोटा बहुत रिव्यू देना था। से उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी नए नए दोस्त हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो अगली वीडियो का इंशाल्लाह इंतज़ार करें, अगली वीडियो का और गन के साथ आपको दिखाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।